क्या हाल है भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आपको पता है कि यहाँ पर रशिया और यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है, इन सभी के बीच में एक क्रिप्टो करेंसी का एक अलग ही रोल यहाँ पे लोगों को दिखाई दे रहा है। और यहाँ तक तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है, यहाँ पे इन्होंने बोल दिया है कि क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट बहुत जल्दी करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब क्या बातें हो रही हैं, ये क्रिप्टो करेंसी का टॉपिक किस तरह से इस पूरे वॉर के अंदर आ रहा है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको पता है कि सबसे पहली बात ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जानना कि ये देखो जर्मनी, ये फ्रेश न्यूज़ है, आज की न्यूज़ है। तो आपको पता है कि अभी तक जो वॉर चल रहा था यूक्रेन और रशिया के बीच में चल रहा था, अब यहाँ पे तीसरी कंट्री भी इन्वॉल्व हो चुकी है। जी हाँ, जर्मनी जर्मनी इन्वॉल्व हो चुकी है। जर्मनी इज टू सेंड यूक्रेन वेपन्स इन हिस्टोरिक शिफ्ट। सो बेसिकली जर्मनी यूक्रेन की मदद करेगा। ये लोग क्या मदद करने वाले हैं, ये लोग अराउंड इन अ ह्यूज लॉस, जर्मनी अनाउंसेस दैट इट इज सेंडिंग यूक्रेन अ शिपमेंट ऑफ 400 एंटी टैंक वेपन्स। ओके, सो 400 एंटी टैंक वेपन्स भेजेंगे यूक्रेन को, 14 आर्मर्ड व्हीकल्स भेजेंगे और 10,000 टन्स ऑफ फ्यूल भेजने वाले हैं जर्मनी यूक्रेन को। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अब यूक्रेन और रशिया नहीं है, बट तीसरी कंट्री भी इन्वॉल्व हो गई है जिसका नाम है जर्मनी। और जर्मनी अपने आप में खुद एक सुपर पावर है। और यही मैंने आज ट्वीट किया था कि जैसे कि काफ़ी लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे कि बॉस ये कहीं ना कहीं ये वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट ना हो जाए, ये जो फाइट चालू हुई है यूक्रेन और रशिया के बीच में, और कहीं ना कहीं उसी तरफ यहाँ पे इशारा जा रहा है। क्योंकि आज जर्मनी इन्वॉल्व हो रही है, कल को हो सकता है कोई और भी कंट्री रशिया को सपोर्ट में आ जाए या फिर यूक्रेन के सपोर्ट में आ जाए, राइट? तो ये यहाँ पे ये सिचुएशन है फिलहाल, जस्ट टू कीप यू अपडेटेड। नाउ ये क्रिप्टो करेंसी का बात कहाँ से आ रहा है इन सब चीज़ों के बीच में, वो यहाँ से आ रहा है। तो बेसिकली ऑफकोर्स यूएस को पसंद नहीं है कि यू नो रशिया अटैक कर रहा है, तो यूएस क्या कर रहा है, और बहुत सारी अलग भी और भी कंट्रीज इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रहे हैं। इकोनॉमिक सैंक्शंस मतलब इनके बिजनेसेस रुक जाएंगे, रशिया किसी कंट्री से बिजनेसेस कर नहीं पाएगा, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वो हो नहीं पाएगा, तो इसमें रशिया का बहुत बड़ा लॉस होगा। ना सिर्फ ये, काफ़ी कंट्रीज़ ने ये भी एक रिक्वेस्ट किया है कि उस पर स्विफ्ट बैन लगाया जाए। स्विफ्ट क्या होता है, स्विफ्ट का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो इट इज़ कॉल्ड द सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इसका मतलब ये है कि जितने सारे बैंक्स हैं रशिया में, यूएस में, ये जब भी एक फॉरेन ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पे स्विफ्ट सर्विस यूज़ करते हैं। और अगर स्विफ्ट बैन हो गया, मतलब रशिया को कोई पेमेंट भी नहीं जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे रशिया का इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, राइट? सो ये इनका इंटेंशन है कि ऐसा किया जाए तो एक रशिया को सबक सिखाया जा सकता है। नाउ दूसरा टॉपिक यहाँ पे निकल के आ रहा है कि यार ये सब इकोनॉमिक सैंक्शन लगा भी दिया आपने और ये स्विफ्ट बैन कर भी दिया, तो वॉट इफ रशिया यूजेस क्रिप्टो करेंसी, यू नो? तो ये कहीं ना कहीं एक बुरा पिक्चर आएगा कि यार मतलब रशिया सैंक्शन लगा के मतलब तो हुआ नहीं, स्विफ्ट बैन के मतलब हुआ नहीं, क्योंकि ये तो रशिया जो है क्रिप्टो करेंसी यूज़ कर रहा है, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि क्रिप्टो करेंसी को एकदम बुरे नज़र से देखा जा रहा है भाई। नाउ द थिंग इज कि क्रिप्टो करेंसीज तो एक न्यूट्रल है, बिटकॉइन इथेरियम न्यूट्रल है, ये कोई भी यूज़ कर सकता है, इट इज़ ओपन फॉर एनीवन एंड एवरीवन। सो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि चलो अगर रशिया यूज़ सैंक्शन यू नो बाईपास कर पा रहा है, एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे तो मिलियंस ऑफ डोनेशंस बिटकॉइन में जो यूक्रेन को जा रहा है, राइट? सो बहुत सारे जो लोग हैं वहाँ पे बिटकॉइन में यूक्रेनियन को हेल्प करने के लिए डोनेशन कर रहे हैं। आई थिंक अराउंड कितना मिलियंस ऑफ डोनेशंस तो ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे, $13.7 million आ चुका है डोनेशंस के लिए, यूक्रेन को हेल्प करने के लिए। एट द सेम टाइम यहाँ पे FTX भी दे रहा है $25, हर एक यूक्रेनियन अकाउंट होल्डर को $25 ड्रॉप कर रहा है। एट द सेम टाइम काफ़ी ऐसे डाओज हैं, फॉर एग्जांपल यूक्रेन डाओ करके है जहाँ पे लोग हेल्प कर रहे हैं यूक्रेनियन सिटीजन्स को, राइट? तो आप देख रहे हो कि एक तरफ से बिटकॉइन, डाओ, FTX ये लोग भी तो मदद कर रहे हैं यूक्रेन की क्रिप्टो करेंसी। सो यू कैन नॉट से कि क्रिप्टो करेंसी सिर्फ रशिया यूज़ कर रहा है सैंक्शंस बाईपास करने के लिए, बट उसका गुड यूज़ केस नहीं है। ऑफकोर्स इसका गुड यूज़ केस भी हो रहा है ताकि यूक्रेनियन सिटीजन्स को यहाँ पे हेल्प मिल जाए, इतना ज़्यादा डोनेशंस क्रिप्टो करेंसीज में हो रहा है। सो दिस इज द आर्ग्यूमेंट, लाइक क्रिप्टो करेंसी इज ओपन टेक्नोलॉजी, ओके, एंड एनीवन एंड एवरीवन कैन यूज़ इट, राइट? सो दैट्स द होल पॉइंट ऑफ क्रिप्टो करेंसी, और इसीलिए यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज का बहुत टॉपिक निभर के आ रहा है।
और एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको देखना जरूरी है कि इसीलिए रशिया और यूक्रेन ने, मतलब आप देखोगे कुछ 15 दिनों में 20 दिनों में यूक्रेन ने तो पूरा रेगुलेट कर दिया बिटकॉइन और लॉ, क्रिप्टो लॉ पॉज कर दिया। रशिया ने बिटकॉइन माइनिंग को रेगुलेट किया था। कहीं ना कहीं आई थिंक ये लोग प्रिपेयर हो रहे थे कि कल को इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा तो हम लोग कैसे उसको, उसका सोल्यूशन क्या है। और उसका ऑब्वियसली सोल्यूशन है क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन, क्योंकि ये न्यूट्रल है, राइट। तो आप देख रहे हो कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है, कितना बड़ा यूज केस निकल के आ रहा है क्रिप्टो करेंसी का इन सब के बीच में। और जैसे हम लोग ने ऑलरेडी बात किया है कि यूक्रेन ने क्रिप्टो लॉ पास कर दिया, रशिया लॉ पास कर रहा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये निकल के आई है, जो द प्रेसिडेंट है ऑफ यूरोपियन सेंट्रल बैंक, इन्होंने बोला है कि वी हैव टू रेगुलेट क्रिप्टो। तो यहाँ पे जो ECB के चेयरमैन है, इन्होंने क्या बोला इसको देखते हैं, एक मिनट। Curious, to what extent do you think that on the topic of cryptocurrencies, that Russia could use cryptocurrencies to evade some of these sanctions? Thank you. The crypto question that you had. You know, as you know, whenever there is a ban, a prohibition, or a mechanism in place to boycott or prohibit, there are always criminal ways that will try to circumvent the prohibition of the or the ban. Which is why it is so critically important that MiCA is pushed through as quickly as possible so that we have a regulatory framework within which crypto assets can actually be caught in a regulatory framework. So basically, यहाँ पे इन्होंने बोला, ECB के प्रेसिडेंट ने बोला है कि हमको यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज रेगुलेट करने की जरूरत है। तो यहाँ पे अगर होल सिनेरियो देखेगा, यहाँ देख अगर ये सब वॉर से जो निकल के आया है, तो सबसे पहली बात ये आया है कि यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज को की बातें और भी यहाँ पे हो रही हैं, मेनली बिकॉज जो US सैंक्शंस लग रहे हैं, जो जो स्विफ्ट बैन हो रहा है। एट द सेम टाइम ECB के प्रेसिडेंट बोल रहे हैं कि हमको क्रिप्टो करेंसीज रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी बातें क्रिप्टो करेंसीज को लेके आ रही है। तो आई थिंक बिकॉज ऑफ ऑल दिस, आई थिंक क्रिप्टो करेंसीज को और भी यहाँ पे अटेंशन मिलने लगा है, और आई थिंक इसको लोग और भी समझने लगे हैं कि ये एक्चुअली है क्या, किस तरह से काम करता है, और यूँ इसको रेगुलेट करना क्यों ज़रूरी है। ये सारी बातें हो रही हैं, और कहीं ना कहीं एक तरफ से बिटकॉइन और क्रिप्टो एक ऐसा भी टूल बन गया है जहाँ पे ट्रेडिशनल बैंक पे काम नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे बिटकॉइन और क्रिप्टो काम कर रहा है मिलियंस ऑफ यूक्रेनियन की हेल्प के लिए, इतना सारा डोनेशन फंड उठाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें उभर के आ रही हैं इस वॉर में। लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक द बाद, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, गुड नाइट।